नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। होटल के कमरे में बेड पर पड़ा मिला 26 वर्षीय महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आज सुबह 8 बजे पति पत्नी आए थे होटल में ठहरने के लिए। कमरे का ताला बाहर से लगाकर पति हुआ मौके से फरार। पास में मिले आईडी प्रूफ के आधार पर महिला की शिनाख्यात मंजू के रूप में हुई है। पुलिस के जिला अधिकारी मौके पर सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा। सिविल लाइन थाना इलाके के रंजीत होटल की घटना। आज सुबह 6:30 बजे मेरा बीबी का कस्टमर कटोरी गांव से आए, कैंटीन में कपूर के काम से आए हैं। फिर उसके बाद 8:30 करीब वो आदमी चाय लेने पी जा के चला। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक नहीं आया, तो फिर हमने सूचना की तो थाना प्रभारी साहब सब मौके पे आ गए। उन्होंने कमरा खोल के देखा तो अंदर वो मंजू देवी नाम की स्त्री मृत पाई। क्या लग रहा है, मतलब मारा गया है उसको? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा दी थी। अब हमारे गाँव जो आदमी आया अभी वापस लौट रही है? नहीं। कितने बजे आई थी? मेरे 3:30 के आस पास। उसने कोई अपनी आइडेंटी वगैरह जमा करी थी? आईडी किस नाम से आईडी थी? क्या आईडी? राकेश। और दूसरी मंजू देवी पत्नी राकेश। कहाँ के निवासी? कुछ पता? निवासी अखरौली और ये पास के गांव है फतेहपुर। कौन सा होटल है? कौन सा होटल है? रंजीत होटल। रंजीत होटल में सर अभी एक मर्डर हुआ है, क्या मामला है? ये थाना सिविल लाइन्स में एक मदद पर चढ़ाए के पास एक होटल में एक बॉडी के पड़े होने की पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची है और वहां पर एक महिला का शव बरामद हुआ है और उसको अभी पंचायत थाना करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और इसमें तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। के बारे में पता लगाया जा रहा है, होटल की CCTV वगैरह चेक कराए जा रहे हैं। आज सुबह वो अपने पति के साथ वहाँ पर आई थी, तो बाकी अभी तहरीर आपको इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।